नमस्कार आदाब शास्त्री, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। दोस्तों आज की ये वीडियो है ड्राइवर जॉब के लिए। ओके, इस वीडियो में सिर्फ ड्राइवर जॉब के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, जो भी ड्राइवर बंदे हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मुझको कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं, सर हमको ड्राइवर जॉब देखना है। तो यहाँ पे ड्राइवर्स बहुत लगते हैं दोस्तों। आप कौन सी भी कंपनी में जाओ, आपको ड्राइवर लगते ही है। आप बड़ी गाड़ी चलाते हो, छोटी गाड़ी चलाते हो, कौन सा भी है। मगर यहाँ पे मेन इश्यू है कि आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदों को ये शायद पता नहीं होगा कि वो लोग पूछते हैं कि हमारे पास तो लाइसेंस है, मगर इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता है दोस्तों। मतलब आपके कंट्री का जो भी लाइसेंस है यहाँ पे नहीं चलता। तो ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। तो उनको क्या करना है अभी? ओके, पहला एक महीना आप क्या कीजिए, दुबई की जो कंपनियां हैं, अभी मैं एक बताता हूँ, मतलब आप डायरेक्टली कंपनी जो होती है ना, वो लोग आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो उनके लिए कुछ अलग सी कंपनियां यहाँ पे है। ओके, अगर बात की जाए अबू धाबी की, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत सारी हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, फिर टैक्सी कंपनियाँ हैं, देन बस की कंपनियाँ होती है जो बस प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रक्स की कंपनी, मतलब बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं ना, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों। वो लोग आपको वीज़ा देंगे, आप खुद ट्राई करो, एजेंट के पास मत जाओ, आपको मिल जाएगी जॉब दोस्तों, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। टैक्सी ड्राइवर जॉब के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी सारी टैक्सी, अभी अबू धाबी में आप देखे जाए तो 14,000 टैक्सी है दोस्तों यहाँ पे सिटी में। ओके, तो टैक्सी की कंपनियाँ शायद 4 या 5 से ज़्यादा है, टैक्सी की कंपनियाँ यहाँ पे है, उनको वैकेंसी लगती है क्योंकि डे शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट में अलग ड्राइवर है, डे शिफ्ट में अलग ड्राइवर है। ओके, अगर आप टैक्सी ड्राइवर का यहाँ पे काम करना चाहते हो तो यहाँ की टैक्सी ड्राइवर कंपनी को आपको ईमेल भेजना है कि मुझको यहाँ पे काम करना है। आसान सा तरीका ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे डायरेक्टली विजिट वीज़ा पे आ जाओ, आप कौन से भी ड्राइवर हो, क्योंकि फिजिकल टू फिजिकल जब आप, अभी ड्राइवर का जॉब ऐसा है ना कि फिजिकल टू फिजिकल आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तरीकों में वो इंटरव्यू स्काइप से हो सकता है, फ़ोन पर हो सकता है, मगर इसमें आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस तभी है जब आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हो अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी, दुबई, कहाँ पे भी टारगेट करो ऐसी सिटी। अभी दुबई में ज़्यादा, दुबई में भी जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं मिलती है, मगर वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको टारगेट ऐसी सिटी करनी है दुबई छोड़ के, लाइक अबू धाबी, शारजा, अजमान, रसल खेमा, उमर क्वीन, फुजेरा, यहाँ पे बहुत सारी सिटियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। आप बड़े ट्रक के ड्राइवर हैं, मिल जाएगी। मैंने जैसे बोला ना कि आपको फोकस करना है इंडस्ट्रियल एरिया पे, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं, उसको आपको फोकस करना है, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हो ना, तो वो कंपनी में जाओ। कई सारी कंपनियाँ ऐसी है दोस्तों जो आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है, मगर लाइसेंस का खर्चा आपको ही करना है, क्योंकि लाइसेंस का खर्चा 1-1.5 लाख से ऊपर होता है दोस्तों। अगर बात की जाए टैक्सी ड्राइवर की, तो उसका लाइसेंस निकालने के लिए यहाँ पे तकरीबन कम से कम दो से तीन महीना लगता है। आपका कंट्री का लाइसेंस यहाँ पे अरेबिक में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, आपकी एप्लीकेशन करनी पड़ती है, आपको पहला सिखाया जाता है यहाँ के रूल्स क्लास में बैठ के, जैसे हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वैसे, वो क्लासेस होती है 10-15 क्लासेस होती है, वो आपको करनी पड़ती है 15 दिन की 20 दिन की, उसके बाद आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। सिंपल सा आसान टेस्ट होता है, उसमें सिर्फ आपको सवाल पूछे जाते हैं कि आपके ड्राइविंग के रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद वो पास होने के बाद, अब अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको उस टेस्ट को फिर देना है, आपको क्लास करना है, फिर देना है। ओके, बहुत सारे बंदे यहाँ पे फेल होते हैं दोस्तों, आसान नहीं है, यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरा फर्स्ट ट्राई में सब हो गया था, मेरा भी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने निकाला है, मेरे तकरीबन 4-5 महीने गए उसमें,
फाइनली मुझे मिल गया। मगर बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत तकलीफ होती है। सुबह 5 बजे उठ के मैं जाता था क्लास के लिए, सीखने के लिए। हो गया, फिर फाइनली मुझको मिल गया। यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो गल्फ में आप कहाँ पे भी इजीली गाड़ियाँ चला सकते हो, इंटरनेशनल लाइसेंस मिलता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो वो क्लास के बाद आपको गाड़ी सिखाते हैं। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपके कंट्री में, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। आपके पास आपका कंट्री का लाइसेंस है तो आपको थोड़ी मुश्किल कम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई आप दे सकते हो। ट्राई मतलब डायरेक्ट रोड पे चलाने का ट्राई है, मगर उससे पहले आप, मैंने ट्राई दिया था। अगर आपको नहीं करना है ट्राई तो आपको 36 क्लासेस होती है सीखने की ड्राइविंग। 36 क्लास, एक क्लास को आपका देना होता है 70 दिरहम। 70 दिरहम मतलब हो गए 1500 तक हो गए 1200। मतलब एक टाइम एक घंटा सीखने के लिए आपको यहाँ पे 1200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब ये मैंने जो बोला ना आपको कि यहाँ पे खर्चा बहुत होता है, 1-1.5 लाख तक खर्चा हो जाता है, मगर लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्लासेस करने के बाद आपको मिलता है ट्राई। ट्राई मतलब दो शुरता बोलते हैं यहाँ पे, शुरता मतलब पुलिस आपके साथ बैठते हैं आपकी गाड़ी में, वो लोग देखते हैं आपकी तरफ आप गाड़ी कैसे चलाते हो, ठीक है। उनको थोड़ी भी इतनी भी गलती आपकी हो जाए आपको फेल कर देते हैं। मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा था, उसने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था। उसने बोला था ये गलतियाँ मत करो, वो गलतियाँ मत करो। मैंने फुल कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाई दोस्तों, मेरा तो हो गया। ओके, मैं चलाता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ऐसे ही गाड़ी का लाइसेंस निकाल के रखा है, कहाँ पे हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ दोस्तों, तो ये होने के बाद आप गाड़ियाँ यहाँ पे सब चला सकते हो। अगर आप टैक्सी कंपनी में अगर अप्लाई करते हो तो वो लोग आपको वीज़ा देते हैं, ओके, मगर सैलरी नहीं देते 3-4 महीने जब तक आपका लाइसेंस नहीं मिलता। क्यों देंगे ना, आप काम नहीं करते तो, सही है। तो जब आप का लाइसेंस आता है आपको ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे टैक्सी की, फिर रोड्स के बारे में, ओके। तो लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं। टैक्सी में भी मिनिमम आपको 36,000 सैलरी यहाँ पे मिल जाती है दुबई या अबू धाबी, कहाँ पे भी काम करो। टारगेट होता है दिन का, अगर आपने टारगेट अचीव कर दिया तो, नहीं किया तो मिनिमम सैलरी 36,000 है, अगर अचीव किया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे सैलरी आप मिल सकती है, सही है। यहाँ पे बंदे हर दिन में भी टैक्सी चलाते हैं, रात में भी टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। मैंने जितना मुझे पता था मैंने शेयर किया आपसे। मेरा वीडियो पूरा देखा करिए स्टार्ट टू एंड तक, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे वीडियो लेके मैं आगे भी आऊँगा। चलो, आपको कोई अगर अलग वाली वीडियो बनानी है तो मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मेरा ईमेल आपके पास है, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस पर वीडियो बनाओ। जितना मुझे पता है मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने जो ये अभी ड्राइवर की वीडियो जो बनाई है ये सब के लिए है, मतलब बड़ा ट्रक ड्राइवर होते हैं, छोटा मतलब लाइट व्हीकल है, हैवी ड्राइवर होते हैं, उनके सब के लिए यही प्रोसेस है। आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाओ, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। इंडिया से ट्राई करने से अच्छा है कि यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि इंडिया से जो क्लरिक बाकी जॉब है वो इंडिया से कर सकते हैं, मगर इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे आना है। 6 महीना तकलीफ होगी आपको यहाँ आने के बाद, क्योंकि सैलरी नहीं होती है, आपको थोड़ा सा घर से पैसा लेना पड़ेगा या कहीं से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, छोटा छोटा वाला, कंपनी को मत बताओ, ये ट्रिक्स होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।